आईपीएल 2023 के सीजन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम ने की बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, क्या घोषणा की है मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल 2023 के सीजन से पहले, तो सारी जानकारी और सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2023 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े वाले फैन हो और आप भी चाहते हो कि मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2023 का सीजन इजीली जीत ले, दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। जहां दोस्तों एमआई की टीम की ओर से जो भी छोटा मोटा बड़ा अपडेट बाहर निकल कर आता है, तो सबसे पहले हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो अपडेट दे देते हैं। और दोस्तों खासकर हमने एमआई की टीम के फैंस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल बनवाया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलने वाला है, तो जाइए और फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं पहले बड़े अपडेट की। यह बड़ा अपडेट सूर्य कुमार यादव की तरफ से निकल कर आया है। जहाँ दोस्तों सूर्य कुमार यादव को आईपीएल 2023 के सीजन से पहले एमआई की टीम ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जहाँ दोस्तों सूर्य कुमार यादव हमें आईपीएल 2023 में वाइस कप्तान के तौर पर एमआई की टीम के अंदर दिखने वाले। जहाँ दोस्तों उप कप्तान के तौर पर हमें सूर्य कुमार यादव एमआई की टीम के अंदर नजर आने वाले। काफी बड़ी घोषणा एमआई की टीम ने कर दी है। हालांकि दोस्तों ये टीम विचार कर रही थी कि ईशान किशन को उप कप्तान बना दिया जाए, लेकिन दोस्तों इस टीम ने फाइनल फैसला ले लिया, फाइनल डिसीजन ले लिया है और सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस की टीम का उप कप्तान बनवा दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे बड़े चेंज की, यानी कि दोस्तों दूसरी बड़ी घोषणा की। यह बड़ी घोषणा एमआई की टीम के ओपनर बल्लेबाजों को लेकर हुई है। जहां दोस्तों एमआई की टीम ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है कि एमआई की टीम के ओपनर हमें कौन करते हुए ओपनिंग करते हुए दिखने वाला, कैसा ओपनिंग पेयर रहने वाला है एमआई की टीम का। दरअसल दोस्तों आईपीएल 2023 के सीजन के लिए एमआई की टीम के अंदर काफी सारे हमें ओपनर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस टीम ने कंफर्म कर दिया कि आईपीएल 2023 के सीजन के अंदर मुंबई इंडियंस की टीम के लिए हमें ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए ही दिखने वाले हैं। जहां दोस्तों ओपनिंग जोड़ी में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है मुंबई इंडियंस की टीम की। ये मुंबई इंडियंस की टीम के मैनेजमेंट ने या फिर कहले ओनर्स ने या फिर कहले कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स ने कंफर्म कर दिया है कि एमआई की टीम की ओर से हमें ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा और ईशान किशन ही दिखने वाले। वैसे आप लोगों को क्या लगता है एमआई की टीम की ओर से कौन से खिलाड़ियों को ओपनिंग करनी चाहिए आईपीएल 2023 के सीजन के अंदर, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और दोस्तों एमआई की टीम को कप्तान कौन से खिलाड़ी को बनाना चाहिए था, बुमराह को बनाना चाहिए था या फिर दोस्तों ईशान किशन को या फिर सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाने का सही फैसला लिया एमआई की टीम ने, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। और दोस्तों एमआई की टीम को आईपीएल 2023 के सीजन में कौन से प्लेइंग 11 लेकर उतरनी चाहिए, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। कौन से ओवरसीज खिलाड़ी को एमआई की टीम की प्लेइंग 11 कैसा बनना चाहिए, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर से बता देना। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।